गुप्त रूप से करें यह 10 काम, सफलता आपके कदम चूमेगी। नंबर एक, प्रतिदिन सोकर उठने के बाद सबसे पहले जमीन पर अपना दाया पैर रखें। ऐसा करने से काम में रुकावटें नहीं आती। नंबर दो, हर सोमवार भगवान शिव के सामने आटे का पंचमुखी दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके सारे काम सिद्ध होते हैं। नंबर तीन, किसी महत्वपूर्ण काम के लिए घर से निकलते समय 3 तुलसी के पत्ते खाकर निकलें। इससे आपके काम में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। नंबर चार, रोज सुबह घर में पूजा पाठ और आरती करते समय आरती के दीपक में 3 लौंग का फूल डालकर आरती करने से समस्त बाधाओं का नाश होता है और हर काम में विजय प्राप्त होती है। नंबर पाँच, किसी भी महत्वपूर्ण या शुभ काम के लिए घर से निकलते समय अगर आप चाहते हैं कि आपके काम में रुकावट ना आए तो अपने घर के मुख्य द्वार से अपना दाया पैर पहले बाहर रखें। नंबर छः, अपने हाथों से आटे का पंचमुखी दिया बनाकर बजरंगबली के मंदिर ले जाएं और उसमें सरसों का तेल डालकर हनुमान जी के चरणों में जलाने से हर काम में आ रही बाधा दूर होती है। नंबर सात, एक नारियल के ऊपर सिंदूर से तिलक करें और उसे साथ लेकर अपने कार्य पर जाए और जब कार्य सफल हो जाए तो इस नारियल को गणेश जी के मंदिर में अर्पित कर दें। नंबर आठ, हर शनिवार को संध्या काल के समय पीपल की जड़ पर 7 सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसके बाद पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। इस उपाय से भी काम सफल होते हैं। नंबर नौ, हर सोमवार शिव मंदिर जाकर शिव जी को हल्दी मिले हुए दूध से अभिषेक करें और उनके सामने पंचमुखी दिया का दीप जलाएं। नंबर दस, प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर तुलसी के पौधे में अर्पित करें और तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करें। उपरोक्त किसी भी उपाय को श्रद्धा से करने पर आपको हर अच्छे कामों में सफलता मिलेगी। दोस्तों, आज का प्रश्न है, कभी तेरे पीछे चले और कभी चले आगे, जीता है वो आपके साथ भले ही ना हो हाथ में हाथ, बताओ उसका नाम। तो कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइए। आप सबका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।